अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी परदेसी रेसिपी। आज हम आलू कचूरी और फैसलाबादी चने बना रहे हैं। उनके लिए जो चनों के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 किलो चने हैं, ये मैंने आधा चम्मच नमक डाल के उबाल लिए हैं। 2 कप घी चाहिए, 4 अदद टमाटर मैंने बारीक काट लिए हैं, 3 अदद प्याज है वो भी मैंने काट लिया, ये कड़ी पत्ता है, सब्ज़ धनिया है, 1 चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच मिर्च है, 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच कसूरी मेथी है, आधा चम्मच गरम मसाला है, जो 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं, और जो 3 चम्मच अदरक थूम का पेस्ट है। आए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें घी डालेंगे, इसमें अभी हम प्याज डालेंगे, प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें अदरक थोम डालेंगे, इसको भी लाइट ब्राउन करेंगे। देखिए हमारा अदरक थोम का पेस्ट लाइट ब्राउन कलर का हो गया। अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे, अभी इसमें करी पत्ता डालेंगे, जीरा डालेंगे, अभी हम इसमें नमक डालेंगे, अभी इसमें मिर्च डालेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे, अभी इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। अभी इसको खूब भूनेंगे, इसका मसाला ग्रेवी बनाएंगे मसाले की, जितना इसको भूनेंगे उतना ही मज़े का सालन बनेगा। ये देखिए टमाटरों का पानी अभी खुश्क हुआ है, तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है टमाटरों का, अभी हम इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे, इसको सही तरह भूनेंगे। अभी हम इसकी सही ग्रेवी बनाएंगे, जैसे ही पानी खुश्क होगा हम 1 मरतबा और पानी डाल के इसको भूनेंगे, फिर इसमें चने डालेंगे। हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, ये देखिए ये देखिए पानी खुश्क हो गया, अभी हम 1 मरतबा फिर इसमें पानी डालेंगे, अभी इसको भूनेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, अभी हम इसमें चने डालेंगे,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा भून के चनों को 5 मिनट हम भूनेंगे, भून के फिर इसमें पानी डालेंगे, 2 कप पानी डाल देंगे। अभी हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। इसमें ये 3-4 सब्ज मिर्चें डालेंगे और इसको पकने देंगे। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो, जैसे ही मसाला बन जाए फिर हम आपको बताते हैं। अभी हम ढकना ला देते हैं, इसको पकने देते हैं। देखें हमारे चनों का पानी खुश्क हो रहा है, अभी इसको थोड़ी देर है, इसको हम खुश्क होने देते हैं। उतनी देर हम चूरियों के लिए मैदे की डो तैयार कर लेते हैं। तो मैदा गूंदेंगे, उसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए, पानी है, कुकिंग ऑयल है, 1 कप मैदा है, 1 चुटकी मीठा सोडा है और 1/2 चम्मच नमक है। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें नमक डालेंगे, मीठा सोडा डालेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसको गूंद लेंगे। देखें हमारी कचौरियों के लिए डो तैयार हो गई है। अभी हम आलू में मसाला मिक्स करते हैं। जी हम कचौरियों में आलू जो मसाला भरेंगे वो हम मसाला तैयार करेंगे आलू के साथ। ये हमारे 1.5 किलो आलू हैं, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी है, जो थोड़ा सा धनिया मैंने काट लिया है, जी 1/2 चम्मच सूखा धनिया है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है और 1.5 चम्मच नमक है, ये सब्ज मिर्च थोड़ी सी काट ली और जो सब्ज पुदीना है। आए भी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसे मिक्स करते हैं। अभी हम इसे मिक्स करेंगे, इनको कचौरियों में भरेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया आलू का। अभी हम चने देखते हैं, चने हमारे किस कंडीशन में हैं। देखिए हमारे चने तैयार हो गए हैं। अभी हम इसमें ये सब्ज मिर्च डालेंगे, सब्ज धनिया डालेंगे, ये गरम मसाला डालेंगे।
अभी हम इसको मिक्स करेंगे। ये हमारे चने तैयार हैं, ये देखें। हमारे चने तैयार हो गए, अभी हम कचौरियाँ बनाने लगे हैं। इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमारा तेल गर्म होता है, हम कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी हम कचौरियों के पेड़े निकालेंगे। ये हमने पेड़े बना लिए, अभी हम इनको बेलते हैं और इसमें मसाला भर देंगे। अभी हम इनमें मसाला भरेंगे, फिर हम इसको ऐसे भी हम दूसरी बनाते हैं। हमारी कचौरियाँ बन गई हैं, ये हमारी कचौरियाँ बन गई हैं, अभी हम इनको फ्राई करते हैं। हमारा ऑयल गर्म था, इसमें हम डाल दें। बिस्मिल्लाह, इनको फ्राई होने देते हैं। अभी इनकी साइड पलटते हैं, आस्ता आस्ता ये फ्राई होंगी। देखिए कलर आ रहा है, लाइट लाइट। देखिए हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं, अभी हम इनको निकालते हैं।
ये हमारी कचूरियाँ तैयार हैं। अभी हम इनको प्लेट में निकालते हैं। ये हमारी आलू वाली कचूरियाँ तैयार हैं और फैसलाबादी चने तैयार हैं। तो देखें कितना प्यारा कलर है, कचूरियाँ हमारी देखें कितनी प्यारी हैं। देखें हमारी कचूरियाँ भी तैयार हैं, ये हमने चने भी डाल दिए। ये हमारी कचूरियाँ और ये चने पड़े हैं। देखें हमारे आलू वाली कचूरियाँ तैयार हैं और हमारे फैसलाबादी चने तैयार हैं। तो आप भी बनाएं, खाएं, हमें दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।